कैसे हो यार तुम लोग, परेशाने हो गए तो बहुत ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं। आज का एपिसोड 8वां है, 2-3 दिन से एपिसोड आ नहीं रहा था तो ये हुआ कि आज बना दिया जाए कुछ तड़कता भड़कता सा। तड़कता भड़कता सा बनाने का रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का डेट आउट हो गई है कि पेपर कौन दिन होगा। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट था कि भाई साहब कहीं डेट पोस्टपोन ना हो जाए, कहीं किसी और साल ना हो जाए, कहीं 2035 में ना एग्जाम कराएं। पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ना, जितने साल से हाइप क्रिएट था उतना महीना भी नहीं चली है। मतलब दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, जनवरी में कोर्स बेचा गया और फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। कोचिंग इंडस्ट्री वालों को मौका ही नहीं मिला कि वो तुमको बहुत ज्यादा लूट सके। लूट रहे हैं लेकिन उतना नहीं लूट पाए जितना अगर 6-7 महीने गैप पे तुम्हें लूट पाते। डेट आउट जब हो गई है, 20 ही दिन बचा है लगभग, तो इस 20 दिन में एकदम दुनिया भुला दो। एक शायरी लिखी है, तुम लोग को शायरी सुनने में आया बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने कहा कि मैं भी तुम लोग को एक शायरी सुना देता हूँ। तो हापा छूटने लगता है इतनी जोर जोर बोलने, पता नहीं कैसे मास्टर कौन सा गांजा फूके रहते हैं इतनी जोर जोर चिल्ला लेते हैं। चल माइक लगा के बोलते हैं ओके। अपनी ख्वाहिशों को अब तुम खाक में मिला दो, अपनी ख्वाहिशों को अब तुम खाक में मिला दो और जितना भी समय बचा है तुम्हारा उसे मौक में मिला दो। टेस्ट मतलब समझ रहे हो, सांस जितनी बार ले रहे हो उतनी बार टेस्ट का एक तो क्वेश्चन भी लेना है, इतनी बार तुमको टेस्ट दे देना है। डेट अगर आ गई है तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो 20-22 दिन बाद तुम एकदम अपनी जिंदगी से फ्री हो जाओगे। फिर तुम्हारी जिंदगी में ना कुछ करने के लिए ना रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अबे यार अगर उस टाइम पढ़ लिए होते, अगर उस टाइम छिन रही है यासी थोड़ा छोड़ दिए होते तो आज सिलेक्शन हो जाता। ये सब कहानी फिर 5 साल तक गाओगे तो उस सबसे हट जाओ। और आजकल का देखो सिलेक्शन अगर तुमको लेना है तो बहुत आसान चीज़ है। देखो 16-16 घंटे तुम्हें करंट अफेयर्स की लाइव क्लास लेनी है, फिर उसके बाद 18-18 घंटे तुम्हें मैराथन देखनी है रोज डेली बेसिस पे, उसके बाद तुम्हें 20-20 घंटे शायरी सुननी है और मास्टर साहब जो क्या करते हैं वो बे बकचोदी वो देखनी है, फिर उसका जब तुम्हारा 25-26 घंटा ऐसे तो 48-48 बर्बाद हुआ है लेकिन जब सब कुछ बर्बाद हो जाए तब उसके बाद तुम्हें बैठ के सोचना है कि मैंने क्या बर्बाद किया। किताब जितनी मार्केट में आएगी सब खरीद लो, सब कुछ कर डालो जितना करना, खाली पढ़ो मत। तो 2047-48 तक तुम्हारा सिलेक्शन, जब भारत विकसित देश होगा तब तुम कांस्टेबल भी बन जाओगे। तो ये सब मोह माया थोड़ा बाहर निकलो, जितना ज़्यादा समय दे पाओ पढ़ते ही रहो, हिंदी मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस रोज करते रहो, करंट अफेयर्स एकदम डेली बेसिस पर रिवाइज होना चाहिए। जीएस तुम जितना कर पाओ उतना कर लो, जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाएगा तो जितना सिलेक्टिव टॉपिक है वही करते रहो। पीवाईक्यू का जितना 8-10 पेपर है उसका हर एक क्वेश्चन रटा होना चाहिए। अगर तुमने 8 पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तुम्हारा 10 नंबर पेपर में कम हो जाएगा जो 17-18 फरवरी को होगा। अब देखो भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उस राज्य में जब पेट का इम्तिहान होता है, जब 20-22 लाख लोग पेपर देते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वो लोग उठा उठा फेंकते हैं, जहां तक फेंक पाते हैं वहां तक फेंक के सेंटर दे देते हैं। 2 दिन में पेपर है, अगर 4 शिफ्ट में पेपर होगा 50 लाख फॉर्म पड़ा है, 1 दिन में 25 लाख लोगों का पेपर होगा, 25 लाख लोग के साथ अगर एक एक लोग अम्मा अब्बा भी जाएंगे पेपर देने तो समझ लो कि 50 लाख 21 दिन में होंगे, 50 लाख लोग यूपी में इधर उधर होंगे तो बहुत अफरा तफरी का माहौल भी रहेगा। उस माहौल को कैसे मैनेज होगा ये सब तो पता नहीं, तो सबसे अच्छा तो यही होना चाहिए कि सेंटर तुम लोग का पास पास अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो इस टाइम तुमको करना क्या है, मॉक देते रहना है, मॉक देते रहना है, मॉक देते रहना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, उसमें डिस्कस किया जाएगा कि अब क्या करना है। देखो मेरा मेन पर्पस क्या है कि मैं तुमको पढ़ा थोड़े रहा हूँ, मैं थोड़ा मास्टर नहीं हूँ, ना मैं तुमसे कौनो पैसा ले रहा हूँ कि भाई मुझको पैसा दो तब मैं तुमको कुछ बताऊंगा। मेरा काम क्या है कि अगर तुम 10-8 घंटा पढ़ के बोर हो गए हो तो मेरी 3-4 मिनट की वीडियो देखकर तुमको ये लगेगा कि हाँ यार कौनो तो है जो मेरी ही बात कर रहा है। तो मैं तुमको इंटरटेनमेंट पर्पज से तुम्हारे मजे के लिए 4-5 मिनट के लिए आ सकता हूँ। ये मैं डेली बेसिस पे करना इस वजह से नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे करूँगा तो थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी उस कंटेंट की। तो हम लोग एक दो दिन बाद, लेकिन जब पेपर आ जाएगा तो हम रोज 10-10, 12-12 मिनट के ऐसे फनी वीडियो लाएंगे और लाइव वीडियो भी लेकर आएंगे कि आपस में बतियाया जा सके किसकी कौन सी समस्या है। तो मिलते हैं यार जल्दी, लेकिन इस 20 दिन में भाई साहब एकदम दुनिया भुला दो। खाली तुमको इंटरटेनमेंट अगर करना है तो मेरी वीडियो देखना और कुछ मत करना। मिलते हैं जल्दी।